हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा मैंने क्या बात की। हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छी जगह, मतलब जाने वाले हम लोग। एक हमारे गांव में जो है बहुत पुराना मतलब स्थान है, बड़ा नहीं है, छोटा है, पर बहुत उनको मतलब जो है लोग बहुत मानते हैं, तो हम भी मानते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। और अच्छी लोकेशन है, तो दोस्तों यही वो रास्ता है जो हम लोग जाएंगे। तो पैदल जा रहे हैं हम लोग, मतलब टाइम लगेगा। दूर नहीं है, गाँव बगल ही अम्बा। तब तक देखिए कितना अच्छा, मतलब इधर नदी है और ये हमारे गांव का नदी, मतलब जो वहां पर दिखाई दी पिछले वीडियो में वही नदी है, पर ये हमारे गांव के सामने है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। और अभी नदी में पानी कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम वीडियो नदी बनाएंगे, पर पानी ज़्यादा, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे कि नाव पर आप लोगों को मैं बह ना जाए, नाव पर जाए तो हम बह जाएँ फिर वीडियो में क्या। कभी अच्छे से नदी को लेकर वीडियो बनाऊंगा, अच्छी वीडियो प्रसार करेंगे। और ये बकरी चल रही है सब खेत में, बंदा ये भी है, मतलब ये स्थान की वजह से जो है कि रंजा कराया गया है। सड़क जो है ये वो ईंट का बना हुआ है, जैसे ईंट को ऐसे खड़ा करके सड़क को जितना दूर ले जाना है ले जाइए। इसका आपकी साइकिल अगर नहीं है तो दो दिन में खतरा हो सकती है, एक्सपीरियंस कर रखा है मैंने। ये हमारे साथ में जो पिछले वीडियो में थे, क्या घनश्याम पीटीएल और इनका चैनल का नाम है पीटीएल माइंड्स, तो ये साथ ही में रहते हैं, हम दोनों साथ ही में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं एक साथ। और हम वीडियो बनाएंगे, मतलब हम कहाँ बनाते हैं वीडियो, कहाँ पर शूट करते हैं, जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, चाहे मतलब अंदर भी दिखाएंगे कहाँ हम शूट करते हैं, उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें नाला हो गया है। हमारा देश जो है वो काफ़ी जंगलों के बीच में बसा पड़ा है, अगर बाई चांस हमारा हड्डी गुट से टूट जाता है ना, तो कम से कम 4 किलोमीटर जाएगा अपना काफ़ी, मतलब देहाती एरिया में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको जंगल और ये सब गन्ना धान क्योंकि ये सब मिलेगा देखने के लिए, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, चितवन बाबा का मंदिर है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्लीपर को निकालेंगे और छोटी सी जगह है पर है बहुत बढ़िया, बहुत मतलब लोग बहुत मानते हैं इन्हें, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। पहले यहाँ पर बहुत खेलते थे इसे पढ़ाई पीरियड में, जब पढ़ने में जाते तो पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल मतलब इसी रास्ते से जाते थे, तो जो हमारा बैग रहता था बैग झाड़ी में फेंक देते थे और इस पेड़ पे बैठ के हम लोग झूला झूलते थे।